अब हम आपको बताएंगे कि आप टेकन सेवन प्रो प्लेयर बनने के बाद आप इसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं देखें जब आपको सब कुछ पता लग जाएगा आपको गेम खेलनी आ जाएगी फिर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट टौर्न, हो रहे हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट भी पाकिस्तान में जोनसी हारी है वो ई स्पोर्ट्स पर काफ़ी फोकस कर रही है और काफ़ी कंपनीज पाकिस्तान में भी जोनसी ना वो ग्रो कर रही है माशाल्लाह तो ये है कि आपको काफ़ी मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए तो उससे यह है कि आपको मौके मिलेंगे आप प्रूव कर सकते हैं फिर यह है कि आपको इसमें इस्पॉसर्स मिलते हैं बाहर की कंपनीज भी जो सी है ना आपको वो इसमें स्पॉन्सर करती हैं और इसके अलावा भी आप अपना सोशल मीडिया के ज़रिए अपने आपको आप को आप जो है ना प्रूव कर सकते हैं अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं ट्विटर पर इंस्टाग्राम इस तरह तो जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे इस जितना आपका सोशल मीडिया स्ट्रॉग होगा उतना आपके लिए स्पॉन्सर लेना आसान होगा तो यही है कि बाकी जमाल भाई आप बताएं माशाल्लाह आपने मतलब कंपनी बनाई है अपनी तो आपके क्या प्लान्स हैं देखिए आप सबसे पहली तो बात यह कि मतलब जो हमारा भी यही एम है वी आर गेम पे कि हम लोग बेसिकली एक 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 एको सिस्टम ई एक स्पोर्ट्स का कायम करें पाकिस्तान में अपनी जितनी एफर्ट कर सकते हैं हम करें अच्छा। और जहाँ तक टेकन की की बात आपने बिल्कुल सही फरमाया टेकन एक हाईली अच्छी एक पोटेंशियल गेम है आजकल स्पेशली जो पाकिस्तान का जो रिसेंट इंटरनेशनल सीन है टेकन में वो काफी अच्छा जा रहा है पिछले कुछ सालों से अर्निंग मेरा ख्याल है हाफिसाब टूर्नामेंट्स के साथ की जा सकती है चाहे वो लोकल हैं चाहे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं आपको प्लेयर स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं जो कंपनीज़ आपको मंथली प्लेयर को स्पॉन्सर करती हैं ठीक हो गया उसके अलावा ऑफिस साहब ये है कि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया अपनी स्ट्रॉग रखो आप लोग सोशल्स के थ्रू स्ट्रीमिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं आपके पास यूट्यूब है ट्विच है ट्विच में आपको लोग डोनेट भी कर सकते हैं आपकी गेम अच्छी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अ कॉज और यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है फेसबुक गेमिंग उससे भी अर्निंग आप कर सकते हो और जो एक और न्यू एवेन्यू है वो है कि लोग प्रोफेशनली कोचिंग करके टीचिंग करके पैसा कमाते हैं टेकन से खास तौर पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर कोचिंग दो और आपसे बाहर के लोग कोचिंग लेते हैं एंड दैट्स वेरी गुड कि आपको वो पर आवर पे करते हैं वहाँ पर तो काफ़ी अच्छी अमाउंट पे की जाती है सो हाँ। so इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं दूसरी आजकल मैंने एक और चीज़ नोट की है कि गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल पाकिस्तान की भी और बाहर की भी वो लोग फ्री लांसिंग सर्विसेज अपनी ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन कि hmm. हमसे आप वन टू वन सेशन लें हमसे आप ट्रेनिंग्स लें सो so वो भी एक एस्पेक्ट है कि आप अपने स्किल से किस तरह अर्निंग कर सकते हो एंड पर्सनली uh, मेरा तो यही मानना है कि द फ्यूचर ऑफ गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इज़ वेरी ब्राइट इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स द न्यू थिंग एंड इट का नॉट बी स्टॉप्ड आई मीन ई स्पोर्ट्स इज़ अ बिग एंटरटेनमेंट नाउ एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आपके जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट uh, इंडस्ट्रीज़ uh, के अंदर वो ई e स्पोर्ट्स को फॉर्मली रिकगनाइज़ करें एज़ अ प्रॉपर यू नो एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स मीडियम और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पैसा आएगा इन विल फ्लरिश इट सेल्फ बिल्कुल सही ठीक फरमाया आपने बस ऐसे ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश रखी है और मेहनत हम कर सकते हैं बाकी इंशाल्लाह अब देखें कोई भी इंसान है ना चाहे वो काफ़िर है वो अगर मेहनत करता है ना तो हमारे से आगे है उसकी मेहनत भी अल्लाह तला रहेगा नहीं जाने देते तो एफर्ट है और ई स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है आपको पता ही है तो आगे भी काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो आप मेहनत करें और ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये सारा हमने कोर्स बनाया है जो सा और यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको आप हेल्प ले सकते हैं दूसरा ये है कि ये जो मैंने आपको बताया इधर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं देखें जिस तरह ये पी टू कंट्रोलर है अब देखें ना ये मैं स्टैंड करूँगा तो ये खड़ा हो जाएगा फिर इसके अलावा ये क्राउच में नीचे बैठ जाएगा ठीक है फिर इस तरह ये गॉड आल है ये ब्लॉकिंग करेगा हर किस्म की सिचुएशन में आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों की तो काफ़ी ज़्यादा आसानी है इसमें तो अब गेम्स में पहले हमारे वक्त में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी शुरू में तो अब देखें वो मैं जो जो हिट अटैक दे रहा हूँ वो सबके प्लस माइनस बताई जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गया तो ये है कि आपके आपके लिए इतनी आसानी है आप टेकन सीखें ठीक है अपने आप को इम्प्रूव करें और आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वहाँ पे आप जो सा ना आपको मौका है कि अपने आप को आप प्रूव करें कि आप अच्छे प्लेयर हैं तो आगे इसके तो रिस्क तो अल्लाह तला ने देना लेकिन अल्लाह तला ने हमारे हाथ में कोशिश रखी है बस <laughs> ये चीज़ है एंड आई थिंक इट्स ई स्पोर्ट्स नाउ इज़ अ फुल टाइम कमिटमेंट एंड जॉब हाँ जी अब ये aga. uh, ja नहीं है कि आप अगर अपने अगर आपने गेमिंग से पैसा कमाना है तो आपको ये फुल टाइम काम करना है इसको एज ए प्रॉपर कैरियर लेके तब जा क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है लोकली भी इंटरनेशनली भी कि आपको अपना स्टैंडर्ड हाई करना है स्टैंडर्ड हाई किस तरह होगा कि जब आप लोग रेगुलरली गेमिंग करोगे ज़्यादा टाइम दोगे जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे टूर्नामेंट्स खेलोगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टूर्नामेंट्स खेलोगे इंटरनेशनल लोकल दोनों खेलोगे उतना एक्सपीरियंस उनको मिलेगा और उतना ही ज्यादा आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी